Earlier this year, on February 25th, the Ministry of Electronics and Information Technology had given a 3-month deadline to all social media platforms to comply with the new rules. Also read, Kareena Kapoor Khan shares glimpse of her favorite Kerala-style meal in its mouthwater. Kya? अगले 5 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं कि कल से कैसे आपकी फेवरेट ई गर्ल कपड़े उतार नहीं साफ कर रही होगी। अब सिंपिंग के लिए लॉन्डो को कमेंट्स नहीं कॉन्वेंट गर्ल स्कूल की लड़कियों के पीछे जाना होगा। अब ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन वाली वीडियो आप नहीं आपके माँ बाप बनाएंगे और पूछेंगे ड्रॉप आउट का क्या हुआ। अब इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजी करने वालों को सच में सितारों के नीचे सोना होगा क्योंकि छत तो चली गई। अब नहीं बता पाएंगे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की कहां मिलते हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शंस लैंडी के भाव। अब पेटीएम गर्ल्स की सर्विस बस उनके पति तक सीमित रह जाएगी ताकि वो घर में रोटी ला सके क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट पुष्पा अब धंधा नहीं चल रहा है। अब जब आप ऑफेंसिव जोक्स मारते हो तो मार्क जकरबर्ग आपको नहीं आप मार्क जकरबर्ग को जक करते हो। अब मार्क जकरबर्ग 3 ऑफिशियल्स को इंडियन गवर्नमेंट के पास लाके बोल रहा है कि मैं हूं असली मार्क इधर है। अब गोल्डन आर का मतलब है आप बस अड्डे पे 1 घंटे में कितनी चेन चुरा सकते हो। हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जोक्स हैं और इनमें से हम एक भी बात मीन नहीं करते सारी करते हैं। सो कल रात 12 बजे से इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक लीगल टेंडर लीगल रहेंगे। अभी सोशल मीडिया की मार्केट में आई है ठीक है सब कुछ बंद हो रहा है 2 दिन में अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स द रूल्स से कि अगले 2 दिन में अगर गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया को बोल दिया कि हमारी बात मानो और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप चले जाओ। और किसने बात मानी एक इंडियन ऐप ने जिसका नाम है कू जो कि ऐप कम कबूतरों की पुकार ज्यादा है जो कल से वो लोग करने वाले जब उनके पैरों में तुम लोग चिट्ठी बांध के एक दूसरों को भेजा करोगे क्योंकि इंस्टाग्राम तो बैन हो गया है ना। अभी इस रूल के हिसाब से साइट होगी ना जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम पे जाके कोई ऑफेंसिव बोल दूं तो इंस्टाग्राम की बात इंस्टाग्राम पे केस। अब मैंने ऑफेंसिव जोक मारा है तो यूट्यूब बैन हो जाएगा। तू सड़क पे किसी को गाली दे और पुलिस तेरे माँ बाप को पकड़ ले दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर दिस इज द टाइम व्हेन हिंदुस्तानी भाव शुड मेक अ कमबैक। या दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर हिम क्योंकि वो आए और वो गालियां भर भर के दे तो केस उस पे नहीं इंस्टाग्राम पे होगा। पहली बार भाव को मौका मिलेगा कि उसकी वजह से किसी और पे केस हो रहा है। इंटरनेट ऑन वाइड स्प्रेड लोग इसको ई गर्ल्स का सफाया बुला रहे हैं। मैं इसको इंटरनेट का डीमोनेटाइजेशन भी नहीं बोल सकता क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से कोई पैसा कमाता ही नहीं था। इंस्टाग्राम ट्विटर मजे के लिए करते हैं जी मजे और ईगल्स असली नुकसान ईगल्स का हो रहा है क्योंकि उनके सिम्स खत्म हो जाएंगे उनके सिम्स एक्चुअली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में बैठ जाएंगे। जब हमने कहा था कि इंडिया को टॉप पे पहुंचा दो तो हमारा मतलब जम्मू और कश्मीर से नहीं था। और ये प्लेटफॉर्म वाले भी कम ढीठ थोड़ी है ये भी उस बच्चे की तरह है जिनको 3 महीने क्यों ना मिल जाए हॉलीडे वक्त तो आखिरी दिन ही पूरा करते हैं। अब बहुत सारे लोग ना ये बैन हो रहे तो अल्टरनेटिव्स पे स्विच कर रहे हैं कह रहे हैं यार बहुत कूल बन रहे हैं कह रहे हैं हम तो टेलीग्राम चला लेंगे ब्रो। भोसड़ी वालों आज एक तो फिर कल दूसरा ना तुम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो टेलीग्राम चला के तुम कौन सी बड़ी बात कर लोगे। नहीं टेलीग्राम पे ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे तुमको एक लंड देखना पड़ता है वहाँ पे हजारों। तेरी मम्मी से मिला मैं जगराते में बिठाया उन्हें गाड़ी में दिया उनको प्रसाद। अब अमन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कंपनियां जो है वो कह रही हैं कि हमको 6 महीने का टाइम दे दो यानी कि एक्सटेंड कर दो। और क्या हो रहा है ना कि यूएस का जो हेडक्वार्टर है वहां पे अप्रूवल लाने में टाइम लग रहा है ऐसा कंपनियां कह रही हैं। और अब इसके जवाब में सरकार क्या कह रही है कि बहाने दे रहे हैं। तो आयरनी देख रहा है बहाने दे सरकार कह रही है कि मैं बस ये कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर एक लॉकडाउन काम नहीं करता तो तुम पूरा देश थोड़ी उड़ाने निकल पड़ते हो तो तुम और लॉकडाउन लगाते हो ना तो टाइम एक्सटेंड कर दो ना। जब हमने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ तो हमने कहा था कि देश को सुधारो इनने 3 नई गवर्नमेंट साइटें निकाल दी। अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ कंप्लायंट ऑफिसर अपॉइंटमेंट ऑफ अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंटमेंट ऑफ अ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ग्रीवेंस ऑफिसर रंडी रोने के लिए एक ऑफिसर रख दिया इन्होंने। ये हमारे देश का नेशनल जॉब है हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं हर गली का दूसरा आदमी ग्रीवेंस ऑफिसर है। जब हम बस स्टैंड पे किसी पे जोक मारते हैं तो 4 लोग हमारा गला पकड़ते हैं वो सब ग्रीवेंस ऑफिसर ऑलरेडी हैं। इसके लिए हमें नेशनल जॉब नहीं चाहिए हम नहीं चाहते कि क्योंकि देख जब वो गवर्नमेंट जॉब बन जाएगी तो लोग आराम से करने लगेंगे और फिर देश की स्पिरिट कम हो जाएगी फिर लोग शाम को हाँ बोलेंगे ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए कि कोई जोक मारे तो उसकी वहीं गांड तोड़ दी जाए।
फर्स्ट भाई सीरियस सी बात बता रहा हूँ, अगर हमें गवर्नमेंट के तीन चूतिया ऑफिशियल चूतिया काम करते हुए देखने होते तो हम स्पेशल छब्बीस देख लेते, हम देख लेते यार। और अक्षय कुमार ये कोई चैलेंज नहीं है, हमको नहीं चाहिए कोई स्पिन ऑफ, हिंदुस्तान ग्राम हमको नहीं चाहिए, सोन चिड़िया सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मे बी देखो जी क्या है बात, बंदे हैं हम खुश मिजाज, मैं तुम्हें रिमोट का काट ले चल सफर सा। सो माय पॉइंट हियर इज, जो भी ये बूमर्स वीडियो देख रहे हैं ना और कह रहे हैं कि ये सही हो रहा है, ये सही है, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अपने चिंटू से फोन लो, इंटरनेट बैन मत करो। और बताओ अमन, इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे बूढ़े लोगों के, तुमको अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की परवाह नहीं है क्या? बुड्ढे तू मैकडॉनल्ड्स के वाईफाई पे पॉर्न देखता है, तेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यही है कि तू चॉल में अंडर एज बच्चियों को जुम्बा सिखाता है, मैक्स टू मैक्स, कोई नहीं जानना चाहता तेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे सेंसिटिव बात यह है कि तुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है 30 साल की उम्र से। आई मीन कम ऑन, वी हैव टू स्टॉप दिस समवेयर। और मुझे अब पता है आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, तेरे बाप ने तेरे को यही सिखाया क्या? हाँ, इनफैक्ट लास्ट पंच लाइन उन्होंने ही लिखी थी। द पीपल हु आर एंजॉयिंग दिस डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन मूव, बिकॉज एवरी मूव लीड्स टू अ प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मतलब अब इस एक डिसीजन जैसे और डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट, विच इज फक्ड अप, बिकॉज अब क्या बैन करेंगे, राधे हमने फिर हमने पता किया कि हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो मुझे पता चला है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक रास्ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पर्सनली बात करें कि प्लीज मान जाओ हमारी बात, बट वो ऐसा होता नहीं है। एटलीस्ट ट्राई टू नेगोशिएट, जैसा फेसबुक कर रहा है, फेसबुक इज ट्राइंग टू एक्टिवली नेगोशिएट। हम चूतिए उस इंडियन बेस्ड एप्स की तरह नहीं, जो जो गवर्नमेंट बोलेगी पापा पापा ठीक है कर लेंगे। एज पीपल वी कैन नॉट डू एनीथिंग, पेटिशन डालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ईगल्स के सिम चले जाएंगे तो कोई पेटिशन साइन करेगा नहीं। और एट द एंड हम बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज अगर ले रहे हो ना तो वापस मत देना, क्योंकि बिना लेड की मैगी हमसे तो नहीं खाई जाती। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन अगर मौका लगा तो, वरना फेयरवेल, चाओ 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 चाओ। चाइनीज ऐप नहीं बैन हुई, नहीं बैन हो रहे। दीदियों को सताते हैं, राखियां भी बंधवाते हैं।